सो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद काफ़ी अच्छा अपडेट निकल के आ चुका है। वाइन WCP हमको गिटहब पेज पे अपडेट मिल जाएगा। मतलब कि आपको डिफरेंट वाइन अभी कौन से मूड के अंदर हमको यूज़ करनी है, मतलब कि विल लेटर के अंदर। आपको साथ ही साथ में सजेशन भी देने वाला हूँ, तो बने रहना, आपके काम की वीडियो है। तो देख लो यहाँ पे जो गिटहब पेज पे निकल गया है वाइन 9.16 तक, 9.13 से लेके, और ये वाला विल लेटर आपको यूज़ करना है जो कि ग्लिप्सी है 7.1.3 VCMode 10। ठीक है, आपको ये कहाँ पे इंस्टॉल करना है तो देख लो यहाँ पे हमको वाइन 9.2 दिखा रहा है, शो हो रहा है, जबकि हमको यहाँ पे मैं एक डिफरेंट वाइन यूज़ करके देखा हुआ 9.1.13। समझो हमको री वैलेज चलाना है तो भी काफ़ी सही है। हाल फिलहाल हम तो दूसरा टास्क ही टेस्ट करेंगे जो कि अभी हाल फिलहाल पड़ा है मेरे पास। तो देख लो हमको सिंपली आपको कंटेंट में जाना है, यहाँ पे आपको जो भी ट्विक इंस्टॉल करना है काफ़ी इजीली मिलेगा। नीचे आपको देख लो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन बटन आ जाएगा। गिटहब पेज का जो मैंने अपडेट दिया है आपको सिंपली वहाँ पे क्लिक करके अपना डिफरेंट वाइन सेट कर लेना है। तो हमको यहाँ पे जैसे ही कंटेनर हम क्रिएट करते हैं प्लस वाले आइकॉन पे, यहाँ पे हमको एक वाइन चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। तो अभी ये वाला जो है काफ़ी स्मूथ चलेगा वाइन, मुझे पता है। अभी आप कमेंट करना जो भी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग रहेगी, मैं यहाँ पे सबसे लो सेटिंग करूँगा, आपको टास्क की भी लो सेटिंग दिखाऊँगा, और यहाँ पे थोड़ा वीडियो में फास्ट करूँगा जैसे कि आपको समझ पड़े। यहाँ पे हमको काफ़ी सारे जो है मिलेंगे टर्निप ड्राइवर। आप कोई भी अपने डिवाइस पे स्टेबल हो, नहीं समझ पा रहा है तो गिटहब पेज पे WCP करके हैं, मैंने ऑलरेडी उसके बारे में काफ़ी सारे वीडियो बना के रखे हैं। नहीं समझ पड़ेगा तो आपको ये लिंक दूंगा, या तो एंड ऑन स्क्रीन में दूंगा या तो आई बटन में, आप उसको एक बार मेक श्योर चेक कर लेना, फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ये जो है वाइन का मेन में मेन अपडेट है, कैसे हमको यूज़ करनी है। तो देख लो अभी जो अजय करके गिटहब पेज पे अपडेट आया है, मैंने आगे दिखाया था, वहाँ से आपको WCP वाइन ले लेनी है जो भी अच्छी लगे। ठीक है, तो सिंपली आपको जो मैंने विल लेटर दिखाया उसके अंदर ही इंस्टॉल करना है, बाकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहने देना। अग्रेसिव से स्टार्ट कर लेना जैसे मैंने दिखाया अभी, बस यहाँ पे इतना ही करना है, फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमको और कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है। जैसे जैसे वाइन के अपडेट आएंगे, ये तो मेन है, मैं बाकी इतना वॉइस ओवर इसके लिए नहीं करता हूँ, अभी तो गेम प्ले के ऊपर टेस्ट चल रहे हैं। अभी पोको F6 के अंदर भी इतने स्टेबल टाइटल नहीं चलते हैं, तो देखेंगे अभी आगे आगे जाके जो भी स्टेबल टाइटल होंगे आप मुझे कमेंट करना। जो मेन वीडियो आएगी मेरी वॉइस ओवर के साथ, आपको पता चलेगा जो मेन अपडेट है, मेजर अपडेट, उसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। बाकी तो इतना सब सिर्फ टेस्ट ही रहता है। तो देख लो यहाँ पे आपको इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ मिलेगा जो मैंने बताया। तो यहाँ पे मैं अबाउट सेक्शन में जाऊँगा, वाइन 9.13 दिखाएगा, देख लो यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी इजी से इंस्टॉल हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बाय डिफॉल्ट पे रहने देना। अभी हमने 3D टास्क को टेस्ट किया है, अगर कुछ दिक्कत आ रही है वाइन 3D3 करके आएगा, उसको एक बार आप चेंज करके अपने हिसाब से यूज़ कर लेना। मैंने यहाँ पे एरोप्लेन देखो, स्पीड काफ़ी अच्छी दिखा रही है, ये तो जस्ट 3D टेस्ट है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा टेस्ट लेके आया हूँ, ड्रैगन बॉल स्पार्किंग 0 मुझे बता रहे थे। तो आपको इन गेम की सेटिंग तो करनी ही करनी है, कन्फ्रिंग करनी है, यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग करनी होती है, इसके बाद जाके स्मूथ होगा। अभी ये वाइन 9.13 के लिए इतना स्टेबल नहीं है, इसके लिए स्लो है, ये रहेगा स्टेबल वाइन 9.2 में। आपको गेम प्ले के साथ काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा, सेटिंग भी दिखाऊँगा उसकी कैसी रहेगी। बस यहाँ पर एक छोटा सा ही जस्ट एक टेस्ट है 3D के लिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। ये वाइन को लेके काफ़ी सारी दिक्कत मुझे काफ़ी टाइम से आ रही थी, अभी ये दिक्कत सॉल्व हो चुकी है। आपको अजय का अपडेट मिलेगा गिटहब पेज पे, वहाँ से आप डिफरेंटली यूज़ कर पाओगे अपने विल लेटर जिसके अंदर कंटेंट यूज़ होते हैं उसके अंदर ये चलेगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अगर आपको इसके बाद भी दिक्कत आ रही है, आपका 7 Gen 3 है तो अभी हाल फिलहाल उसके लिए देखते हैं अपडेट कब आएगा, फिर भी आप ये ट्राई करके देखना डिफरेंट वाइन, क्या पता सपोर्ट हो जाए। सो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, आज के लिए इतना ही था, बाय फ्रेंड्स।